अभी हम यहाँ से निकलते हैं यार। ये देखो बच्चे ना बाइक के साथ छेड़ते हैं बहुत यार। ये जो कैमरा से जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ना, ये ना मेरे को सेल करना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए सो कमेंट करो। सॉरी सॉरी, तो मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट करो, लिंक ना बायो में है, ठीक है। गाइस अभी आगे जाके ना हमें उस बाइक का वेट करना है जिसपे आज हमें बर्नआउट मारना है, ठीक है। वो ना मेरे को खुद बर्नआउट मारना है, वो बंदा नहीं मारता है ये सब, ठीक है। चलो उसका वेट करते हैं। पहले ना टायर ढूंढेंगे, उसके बाद बर्नआउट मारेंगे, क्योंकि अभी हमने नया टायर लाया नहीं है, ठीक है। पहले वो लाना पड़ेगा एंड देन मारेंगे एक बॉम्ब सा बर्नआउट। सो गाइस हियर इज आवर बाइक। सो इस पे ना आज बर्नआउट मारेंगे, वर्जन 2 है, ठीक है, मजा आएगा। लेकिन इसमें ना टायर चेंज करना है यार, बस इसमें हवा चढ़े, इसमें टायर बिल्कुल भी मतलब एयर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हवा चढ़ेगी तो तभी बर्नआउट मार पाएंगे। टायर हमने इसके हाथ दे दिया है, अभी मैं और मामू चलते हैं अपनी बाइक पे। ये रहा एग्जॉस्ट जो इसमें लगाना है, बस अभी इस पे बर्नआउट हो, ऐसा ना हो कि हम ट्राई करें और बर्नआउट ही ना हो, तो मतलब सारा मूड स्पॉइल हो जाएगा यार। बर्नआउट के लिए फुल रेडी है हम, ठीक है। चलो गाइस पहले यहाँ पे ना इसमें थोड़ी हवा भरते हैं, देन उसके बाद बर्नआउट मारेंगे। फिर हमें टायर वहां से निकाल के लाना पड़ेगा मिस्त्री से, देन यहाँ पे चेंज करके वापस वहीं पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस अभी यहाँ अंदर जल्दी जल्दी बर्नआउट मारते हैं, निकलते हैं इधर से। इसमें ना बर्नआउट हो रहा है लेकिन बाइक उधर जा रही है, एंड देखते हैं क्या होगा, बीच में ही करेंगे, ठीक है। बाकी बाइक ना भी थोड़ी हीट होगी इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। पहले इसको खत्म होने देते हैं एंड देन करते हैं बर्नआउट। अभी बर्नआउट कंप्लीट हो चुका है, मतलब बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत हीट हो गई थी, ठीक है। बर्नआउट आपको कैसा लगा? अभी हम आए मैकेनिक के पास इसका टायर खुलवाने, उधर ना पुलिस वगैरह आ गई थी यार, पुलिस वाला एक मेरे को दिखा एंड मैं निकल गया उधर से। बाकी यार टायर की हालत देखो, टोटल लॉस कर दिया हमने ये टायर, ये देखो बहुत गर्म है यार। चलो अभी टायर निकलवाते हैं एंड देन करते हैं टायर चेंज। हाँ जी गाइस अभी ना इसमें नया टायर लग चुका है, ठीक है। अभी ना इसका एग्जॉस्ट चेंज करना है, जो कि हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो सनसेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। इसमें ना एक्रोपॉइक का एग्जॉस्ट डालना है। आपको ना इसकी थोड़ी इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाएंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल ये। गाइस अभी ना ये एग्जॉस्ट कटने वाला है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो फिर एक्रोपॉइक इसमें डाल देंगे एंड इसकी साउंड देखनी पड़ेगी, क्योंकि BS3 बाइक है। इसमें ना कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं आता, ये बहुत खतरनाक साउंड करने वाली है। चलो देखते हैं जो भी रहेगा। गाइस अभी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट बाहर आ चुका है, ये रहा इसका स्टॉक एग्जॉस्ट। अभी ना वो जो कैन होती है ना सामने, वो इस पे बेंड होगी, वेल्ड होगी, ठीक है, क्योंकि मतलब एग्जॉस्ट तो वेल्ड नहीं कर सकते यार। एग्जॉस्ट ये रहा, ठीक है। एग्जॉस्ट वेल्ड करेंगे तो फिर निकालेंगे कैसे, यही कैन इसमें बंद होती है, ठीक है। अभी अरे यार मेरे को ना डर लगता है इसको देखने से, क्योंकि फिर आंखों में पता नहीं कुछ हो जाता है, ठीक है। गाइस अभी ना इस पे काम चल रहा है यार, बिल्कुल भी आसान नहीं होता ये काम, बहुत ही मुश्किल होता है यार। मतलब एयर वगैरह नहीं घुसनी चाहिए। अभी मेरी बाइक में ना हल्की सी एयर घुस रही है, वो भी हम अभी ठीक करा देंगे, ठीक है। हल्की सी ना एक टच मारना पड़ेगा, बाकी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से ना इसको वेल्ड कराना पड़ता है यार, ठीक है। फुल सिस्टम लगाने में ना फिर दिक्कत बन जाती है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है एंड मतलब फिर इंजन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे ये मफलर सही है यार, फुल सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। फाइनली गाइस बाइक में एग्जॉस्ट लग गया और साउंड सुनो। भाई क्या साउंड दे रही है, भाई भाई कान फट गए ऐसी, मतलब इतनी ज्यादा लोड है ना ये आप सोच भी नहीं सकते। बाकी चेक मारो V2 में एग्जॉस्ट लग गया, अभी हम घर निकलते हैं, बाकी का व्लॉग हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपने इससे पहले क्लिप्स देखी ना, वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले शूट किए मैंने, तब से ना मैं व्लॉग बनाने निकला हूँ ना मैंने वो अपलोड किया, क्योंकि वो छोटा हो जाता व्लॉग, ठीक है। रीज़न तो क्या ही बोलूँ मैं कि मैंने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं डाला, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है पता।
पता नहीं, बस मन नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का। मैं राइड वगैरह भी इन दिनों नहीं कर रहा था कुछ भी। सो अभी मैं निकला हूँ राइड पे। अभी ना ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि भाई आगे वेट कर रहा है, उनको कहाँ तक ड्रॉप करना है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ पांडा, ये रही, ठीक है। तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ठीक है, जब भी हम आ चुके हैं मार्केट से बाहर, तो भाई को भी हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। और ब्रेक ना आज फिर से नहीं लग रही, इसमें फिर से ना एयर हो गया यार। सो अभी संडे आएंगे साजिद ब्यास, तो फिर यहीं पे करेंगे, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है श्रीनगर वगैरह जाने का। एंड आज ना मैं बहुत टाइम बाद ना राइड पे निकल रहा हूँ, सो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यार मतलब थोड़ा हाथ बैठना चाहिए। जब तक अच्छे से नहीं ना बैठता है हाथ, मतलब तब तक भगानी नहीं चाहिए यार, ठीक है। अभी एक सोलो राइड होने वाली है, क्योंकि और कोई है नहीं अपने साथ। अकेले ही जा रहा हूँ, ठीक है, अकेले भी कर लेंगे, मैंने हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ओह हो गया, भाई रिएक्शंस तो आप पूछो ही मत, कितने तगड़े तगड़े मिल रहे हैं। ये चेक दिस आउट गाइस, आज तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहा हूँ मैं यार, सच में कसम से यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरी ब्रेकें कम है, फिर भी मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा हूँ। आई थिंक मेरे को यहाँ से मोड़ लेनी चाहिए, ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊँगा यार, क्या करने, अकेले मन भी नहीं करता वैसे। चेक दिस आउट, रिएक्शंस देख रहे हो आप, क्रेजी रिएक्शंस यार। वो क्या कर रहे हैं यार ये लोग, मेरा टायर बहुत बबल कर रहा है यार लीन पे। और ठीक हो, अच्छे से उठा लो यार, कैसी बात कर रहे हो। ओके, सो इधर ना अपने कुछ भाई मिले थे इनसे, इनके साथ ना पिक्स एक दो ली, अभी हम निकलते हैं। कि यार इस हाइपर राइड के साथ एक प्यारा सा व्यू आपको दिखा दूं, इधर से ना बहुत ही प्यारा व्यू है। सो इधर ना क्या कहते हैं यार उसको, हाय ब्रो। सो इधर से मतलब, अबे यार चले जाओ यार। सो इधर से वो बोट्स वगैरह पे ना, वो बोट्स वगैरह, आई डो मेरे को सम, अरे कहना क्या चाहते हो। रिएक्शंस क्रेजी। मैं डंपिंग पे जाके थोड़ा सा बैठता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना अकेले भी बैठना चाहिए। कश्मीर में अभी ये जमींदारी वगैरह चल रही है, सो आप देख सकते हो घास वास काटी जा रही है। विंटर्स आने वाले क्या है, मतलब आ ही चुके हैं। ठंड ठंड रहती है दिन में ना, मतलब वैसा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एंड सुबह शाम बहुत खतरनाक ठंड होती है यार। सो हाँ जी गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ कुछ ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे, ठीक है। सो ये लोकेशन पे ना मतलब आपको शांति सी देखने को मिलती है। सो मतलब मेरे को पसंद है ऐसी जगह जहाँ शांति हो, ठीक है। सो अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ घर में पड़े रहने से बाइक पे, मतलब रस्ट तक आ गया है कहीं कहीं पे ना, रस्ट भी आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मेरे को अभी ये दिखा, ये देखो यहाँ पे भी रस्ट लग गया है, एंड ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी रस्ट लग गया है। सो यार मतलब और भी कहीं पे मेरे को दिखा था यार, ज़्यादा ना एक घर पे खड़ी भी नहीं रहनी चाहिए यार। सो बाकी आप पांडा चेक करो यार, कितनी प्यारी लग रही है यार, मतलब क्या बोलूँ, बहुत प्यारी है। अभी ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हमें और करनी है, इसकी मॉडिफिकेशंस ना कभी ख़त्म नहीं होती यार। जब भी मैं कुछ नया लगाता हूँ ना, फिर मेरे को और कुछ नया याद आ जाता है। सो टायर तो अब होपफुली नेक्स्ट ईयर चेंज करेंगे, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, एंड मैं अभी ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता इस पर यार।
क्योंकि विंटर्स में ना फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं अभी ज़्यादा बाइक पे स्पेंड नहीं करूँगा फिलहाल। तो मेरे को लगता है फिलहाल मैं ये भी नहीं करने वाला। सो यहाँ पे ना थोड़ा एयर आ चुका है रैप में यार, दिक्कत तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। सो जब भी मैं करूँगा, एक तो मेरे को यहाँ से ड्यूक 250 का मडगार्ड लगाना है, एंड यहाँ पे एक ब्रेम्बो सिलेंडर लगाना है, ठीक है, कैनिक लगाना है यहाँ पे भी। सो देखते हैं कब होगा, फिलहाल तो मेरा मन नहीं है करने, मन तो है करने का लेकिन मैं करना नहीं चाहता अभी, ठीक है। एंड विंटर्स भी आने वाले हैं, होपफुली, क्या पता यार विंटर्स हम किधर रहेंगे, इधर रहेंगे और कहीं रहेंगे, कोई भी आता पता नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, फिलहाल तो मैं एक और लॉन्ग राइड का प्लान कर रहा हूँ, सो देखते हैं वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में हम निकल जाएंगे उसके लिए। फिलहाल तो आज फ्राइडे था, पीछे जो भी आपने देखा मेरे को नहीं पता वो मैंने कब शूट किया था, ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए। उसके बाद तुम्हारा भाई परेशान सा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, जो भी हुआ था समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, बस कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे मैं बैठा अभी कुछ देर, तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। सो अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, एंड अभी स्कूलों की छुट्टी होने लगी होगी, 3 बज गए। सो आजकल ना तुम्हारा भाई भी स्कूल जाता है, कभी कभी जाता हूँ यार। सो गाइस अभी आया था मैं खुद के लिए एक हल्का सा जैकेट देखने, क्योंकि बाइक पे ठंड लगती है, लेकिन मिला नहीं जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ।